सनी लियोन ने बिहार परीक्षा में किया टॉप, मचा बवाल। बॉलीवुड की खूबसूरत और हॉट एक्ट्रेस सनी लियोन के बारे में तो सभी जानते हैं कि वे पहले पॉर्न इंडस्ट्री में थी, उसके बाद वो बिग बॉस में आई थी। इसके बाद सनी लियोन की बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री हुई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाल ही में सनी लियोन ने बिहार में जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए आयोजित परीक्षा में टॉप किया है और उनके टॉप करने से बिहार में बवाल मच गया है। दरअसल लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग PHED की वेबसाइट पर 200 पदों के लिए आवेदकों की जो सूची अपलोड की गई है उसमें सनी लियोन का नाम टॉप पर बताया जा रहा है। इसके साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि सनी लियोन ने इस परीक्षा में 98.5% नंबर लाकर टॉप किया है। इस वेबसाइट पर आवेदन आईडी भी दर्ज है और पिता का नाम लियोना लियोन बताया गया है। अब जब मामला जैसे ही सामने आया है तो लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में बवाल मच गया है। अब नीतीश सरकार में मंत्री VN झा ने सनी लियोन के टॉप करने पर मचे बवाल पर सफाई देते हुए कहा है कि लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा आयोजित इस परीक्षा का परिणाम अभी जारी ही नहीं हुआ है। इसके साथ ही मंत्री ने यह भी कहा है कि जिन लोगों के नाम इसमें हैं उन्हें दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों की जांच के दौर से गुजरना होगा। अब सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर बिहार सरकार का मजाक उड़ाया जा रहा है। अब मंत्री VN झा ने कहा है कि रिजल्ट आना अभी बाकी है। जूनियर इंजीनियर पदों के लिए कुल 17,000 लोगों का आवेदन मिला। हमने उन सभी का नाम भी प्रकाशित कराया था ताकि यदि कोई कमी रह गई हो तो वे सुधार करा सकते हैं। वैसे भी यह अंतिम सूची नहीं है, हो सकता है कि कुछ अभ्यर्थियों ने गलत नाम से आवेदन किया हो। इसका खुलासा तो तभी होगा जब भर्ती प्रक्रिया के समय वे अपनी मार्कशीट सामने रखेंगे। बता दें कि वेबसाइट पर अपलोड जानकारी के अनुसार 38 वर्षीय लियोनी महिला है और सामान्य अनारक्षित वर्ग से आती है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।